जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वैसे स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहे हैं और जो वैसे स्टूडेंट जो अपकमिंग टाइम में आने वाले हैं या फिर जामिया को लेकर इंटरेस्टेड हैं, तो उन सभी के लिए एक यू समझिए कि एक काफ़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ है, इंडिया टुडे के बिहार में पब्लिश करा गया। अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि JMI स्टूडेंट टॉप इसरो एग्जाम्स, 3 मोर स्टूडेंट सेलेक्टेड एज ए साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग। तो इसमें कुल मिलाकर ये कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो ये ना समझे कि भाई जामिया जाने के बाद हमारा खेल बिगड़ जाएगा, बल्कि जामिया एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको एक आने वाले टाइम में अलग अलग जगह पे अलग अलग पोस्ट पे आपको जाने का मौका मिल जाता है। ये नहीं कि डायरेक्टली, बट ये कि आप जानते हैं कि ओवरऑल हर जहाँ भी जिस भी फैकल्टी जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास उसके उस लेवल का प्रिपरेशन हो, चाहे वो आप UPSC हो या किसी भी स्टेट PCS हो या इवन किसी भी टाइप का एग्ज़ाम हो। तो उसमें इस साल अगर हम बात कर ले तो जामिया के 2019 का ही स्टूडेंट्स है जिन्होंने इसरो में टॉप किया है और ऑब्वियसली यानी इंडिया टुडे के बिहार में ये छापा भी गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम मेंशन है। ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप जामिया आते हैं तो देखिए एक ऑब्वियसली जामिया का जब टैग लगता है तो स्टूडेंट्स को भी लगता है कि हाँ भाई जामिया में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा जामिया से क्वालिफाई होता है लाइक UPSC में या और भी किसी गवर्नमेंट जॉब में तो एक बहुत बड़े लेवल का अप्रिसिएशन का काम हो जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स आए अच्छी बात है, लेकिन वो अपने माइंड में ज़रूर रखें पहले से ही कि हाँ भाई हमें जामिया में जाकर कुछ करना है, नहीं कि अब बस जामिया है और हमारा फ्यूचर सवर गया, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने फ्यूचर को लेकर या अपने अपकमिंग जर्नी को लेकर, इवन आप भी होंगे आने वाले टाइम में। अब हम बात करते हैं सिंपल रिजल्ट्स को लेकर। देखिए आप जैसे जानते हैं जामिया जो है काफ़ी टाइम लगा रही है और स्टूडेंट्स डेफिनेटली परेशान है, लेकिन हम आपको कोशिश यही कर सकते हैं, ये बता सकते हैं, क्योंकि अभी मैं फिर से कंट्रोलर में ही हूँ। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ कि अभी मैं कहाँ पे हूँ। ये रहा, अभी मैं जस्ट कैमरा ओपन कर रहा हूँ जी, ये रहा सामने दिख सकता है आपको। तो अब इसके बाद ये बड़ा सिंपल ये कि मैं अभी कंट्रोलर में ही हूँ और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे सिंपल बस ये डिलेट किया जा रहा है और टहलाया जा रहा है। स्टूडेंट्स नो डाउट प्रॉब्लम में हैं, मैं यही कह सकता हूँ कि हो सकता है आज आपके रिजल्ट्स आएँ और अभी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, चाहे वो डिप्लोमा वाले हो, DL.ED वाले हो या और भी BTEC वाले हो। देखिए BTEC वाले स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही कह सकता हूँ थोड़ा वेट करिए, पर इसके अलावा जितने कोर्सेज का रिजल्ट है वो बहुत जल्द आएंगे, लेकिन कब आएंगे इसका भी कोई आज के टाइम में, क्योंकि जामिया इस तरीके से सस्पेंस जारी कर दिया इसलिए कई आपको डेट बताना भी मुश्किल हो रहा है। बट फिर भी ये कह सकते हैं कि बहुत जल्द आपके रिजल्ट आ जाएंगे, मे बी आज भी आपके रिजल्ट आएँ या आज नहीं तो कल तो श्योर आएगा। ऐसा नहीं है कि आपके, क्योंकि टाइम लगने के पीछे नहीं है कि जामिया का एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा बिजी है, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।